नमस्कार साथियों, जय हिंद। कल एमपी पुलिस कांस्टेबल के सेकंड स्टेज के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। जिन भाइयों का 23 सितंबर से फिजिकल चालू है, वह विशेष ध्यान दें। उनके लिए कौन कौन से कागज़ लगेंगे तो वो एक बार देख लें। ऑनलाइन परीक्षा में सफल अपना सूचना पत्र डाउनलोड कर निर्धारित शारीरिक प्रवीणता परीक्षा स्थल पर पहुँचें। सभी उम्मीदवारों को उनके निर्धारित दिनांक को ही पहुँचना है। उम्मीदवारों को प्रवीणता के लिए जो दिनांक व स्थान सूचित किया जा रहा है, उस दिनांक व स्थान में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। दस्तावेज परीक्षण के लिए आवश्यक उम्मीदवारों के लिए निम्न दस्तावेज लाना है, तो सबसे पहले लाना है आधार कार्ड, ठीक है। दूसरे नंबर पर है जन्म तिथि प्रमाण पत्र में जन्म प्रमाण पत्र, यदि जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो हाई स्कूल मतलब दसवीं की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि लिखी हो। तीसरा बिंदु है शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, जैसे कि आपने फॉर्म दसवीं पास से डाला है तो दसवीं की अंक सूची, यदि आपने ग्रेजुएशन लेवल से डाला है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको ले जाना है दो प्रतियों में। मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय का जीवित रोजगार पंजीयन, यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो तो मध्य प्रदेश के कार्यालय का रोजगार पंजीयन होना आपके पास ज़रूरी है, मतलब वहाँ पर ले जाना है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी उम्मीदवारों को शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में समक्ष अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम पदनाम कार्यालय इत्यादि इसमें सुस्पष्ट होना चाहिए। मतलब आपका जो जाति प्रमाण पत्र रहेगा उसकी दो प्रति और साथ में ओरिजिनल लेकर वहाँ पर जाना है आपको फिजिकल स्थान पर। स्वयंसेवी नगर सैनिक तथा नगर सेना के नॉन कमीशन्ड अधिकारियों या अभ्यासियों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट के लिए समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए नगर सेना की 3 वर्ष की सेवा काल का प्रमाण पत्र, मतलब जैसे कोई होमगार्ड में है या नगर सैनिक है उसके लिए 3 साल का सेवा काल का प्रमाण पत्र लेकर जाना है जिससे उन्हें उसका आरक्षण मिलेगा। भूतपूर्व सैनिकों के मामले में सेना की सेवा का प्रमाण पत्र, यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो सेना की सेवा का प्रमाण पत्र आपके लिए वहाँ पर लेके जाना है। 8वां बिंदु है एनसीसी सी प्रमाण पत्र, या एनसीसी होती है उसका सी प्रमाण पत्र आपको वहाँ पर लेके जाना है जिसने एनसीसी की है। पूर्व से नियोजित उम्मीदवारों को उनके नियोक्ता के द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण पत्र एवं नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र। अनुसूचित जाति ये अपने काम के नहीं है, ये जो पहले से ही जैसे होमगार्ड में है भूतपूर्व सैनिक उनके लिए प्रमाण पत्र लाना है जिससे उनके लिए अलग से कोटा मिल जाता है। पूर्व से नियोजित उम्मीदवारों को उनके नियोक्ता के द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण पत्र एवं नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किसी दंपत्ति में से उच्च जाति के पति ये अपने काम करेंगे। ये 10वां पॉइंट भी अगला है, जो विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यासी को उच्चतर आयु की सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार, ये भी अपन लोग काम का नहीं है। अगला है इसके बाद विवाहित अभ्यासी को उनके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, ये है अपना इम्पूडेंट 12वां पॉइंट इम्पूडेंट है। यदि आपकी शादी हो गई है तो आपको अपने यदि बच्चे हैं तो उसका जन्म प्रमाण पत्र वहाँ पर लेकर जाना है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों हेतु मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र अथवा समस्त प्रकार के आरक्षण की पात्रता हेतु मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, मतलब मूल निवासी प्रमाण पत्र ले जाना है। सीधे सीधे कहने का मतलब जी है
कि आपको सारे ही डॉक्यूमेंट दो दो प्रति में ले जाना है और साथ ही वो ओरिजिनल भी लेकर वहाँ पर जाना है, और कम से कम आपके लिए 6 फोटो लेकर जाना है। अब अपन देखेंगे अपने क्या क्या करना है। तो जो अपने मूल दस्तावेज एवं उसी क्रम में उनकी स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतियाँ लगाकर दस्तावेज परीक्षण अधिकारी के पास उपस्थित होंगे, अप्रमाणित प्रति को मान नहीं कहेंगे, मतलब स्वयं प्रमाणित करना है, अपने स्वयं के हस्ताक्षर उसमें प्रतीक मार्कशीट पर अपने करना है फोटो कॉपी पर। यदि यदि उम्मीदवार मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में अयोग्य पाया जाता है अथवा असफल होता है तो उसे नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, भले ही वह ऑनलाइन परीक्षा सफल रहा हो। और तीसरा पॉइंट है इसमें क्या है अपना, इन्हें अपन ध्यान रखना है, उम्मीदवार को 800 मीटर की दौड़ के लिए एक अफसर, ये आप लोगों को पहले से ही पता होगा, लंबी कुंद और गोला फेंक के लिए 3-3 अफसर दिए जाएंगे। शारीरिक पूर्णता में आपका शामिल होना आपकी असहमति मानी जाती है, मतलब शारीरिक पूर्णता परीक्षा में अपन ही फिजिकल में अपन ही शामिल होना चाहते हैं, ये अपनी स्वयं की जिम्मेदारी रहेगी। इस परीक्षा के दौरान यदि किसी भी कारण से आपको किसी प्रकार की चोट लगती है तो उसकी कोई जिम्मेदारी मतदेय शासन की या पुलिस विभाग या परीक्षा संचालित करने वाले अधिकारी की नहीं होगी। शासन द्वारा घोषित नियमों के अंतर्गत पात्र अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का आवेदन पत्र में दिए गए पते से परीक्षा केंद्र तक आने जाने साधारण श्रेणी की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके लिए बैंक खाते की मतलब SC ST OBC वालों के लिए भत्ता मिलेगा, किराया मतलब आने जाने का, इसके लिए अपने बैंक की पासबुक लेकर वहां पर जाना है। यहां स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवार के पास समस्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदक भरने की अंतिम दिनांक मतलब 10/7/2023 से पहले क्यों होना चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा के मापदंड विज्ञापन में दर्शानुसार होंगे। आरक्षित संवर्ग समस्त अभ्यासियों के लिए शारीरिक दक्षता परिणाम में अधिकतम कुल योग के न्यूनतम 30% लाना, जैसे 100 का फिजिकल होगा तो उसमें अपने 30 अंक लाना अनिवार्य है, जिसके अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण अंकों के द्वारा जोड़े जाएंगे, जी किसके लिए SSC ओनली GD के लिए है जी। अपने आरक्षण के लिए मतलब रेडियो वालों के लिए 800 मीटर दौड़ना है, केवल 20% अंक 40 में से 8 चाहिए, जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ नहीं जोड़े जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल क्वालिफाई प्रकृति का होगा, मतलब रेडियो वालों को सिर्फ क्वालिफाई ही करना है। सामान्यतः दस्तावेज परीक्षण शारीरिक प्रवीणता परीक्षा एक दिन में संपन्न हो जाएगी, फिर भी यदि अप्रत्याशित कारणों से ज़्यादा समय लगता है तो आप लोग अपने लिए 2 या 3 की वहाँ पर रहने की व्यवस्था करके जाना है घर से। यदि किसी अप्रिय मतलब कोई अचानक के कारणों से परीक्षा की दिनांक समय स्थान पर परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना परीक्षा केंद्र के नोटिस बोर्ड पर चपका दी जाएगी। मध्य प्रदेश ESB की वेबसाइट से डाउनलोड परिणाम पर्ची की 2 प्रतियां, अपना आधार कार्ड 1 फोटो तथा समस्त मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्वयं प्रमाणित प्रतियां अपने साथ लाना अनिवार्य, मतलब अपने लिए क्या क्या ले जाना है, डाउनलोड पर्ची की 2 प्रतियां, अपना आधार कार्ड लेके जाना है, 1 फोटो लेके जाना है और समस्त मूल प्रमाण पत्र एवं मूल मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, और स्वयं प्रमाणित प्रतियों को उनकी फ़ोटो कापियों को स्वयं प्रमाणित करके ले जाना है। दस्तावेज परीक्षण व शारीरिक प्रवीणता दिन प्रातः 6 बजे परीक्षा स्थल पर पहुँचना है। उम्मीदवारों को बैग ग्राउंड के अंदर लाने की अनुमति दी जाएगी, मतलब अपन ग्राउंड के अंदर अपना बैग मैग ले जा सकते हैं। ग्राउंड के अंदर कोई भी उम्मीदवार मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं कर सकेगा, अपने अंदर मोबाइल फ़ोन नहीं चलाना है, उम्मीदवार का कोई भी सामान ढूंढने के वो उम्मीदवार की जिम्मेदारी होगी। यदि आपको ये सारी बातें समझ में आई हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। जय हिंद।